आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पुराना वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। नया तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन पुराना वोटर आईडी कार्ड चाहे कितना भी पुराना क्यों नहीं हो, 50 साल पहले पुराना भी हो अगर जो, तो कैसे हम वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पर पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। अगर जो आपका ये लॉगिन नहीं हो रहा है, तो यानी कि आपने यूज़र आईडी नहीं बनाया, तो आप साइनअप पर क्लिक करके, यहाँ पर आपके पास साइनअप का ऑप्शन है, साइनअप पर क्लिक करके पहले अकाउंट बना लें, फिर आप यहाँ पर लॉगिन करें। उसके बाद अंदर का प्रोसेस अभी मैं बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद इस तरह से ये पेज खुल जाएगा आगे, और यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन है ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन, ये वाला देखिए यहाँ पर, ये इसको हम डाउनलोड करेंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई पुराना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना है किसी दूसरे का, तो यहाँ पर आप जो है ईपिक नंबर डालेंगे, ठीक है। अपना करने अपना आपका पुराना है तो अपना यहाँ पर डालेंगे, अगर जो दूसरे का है तो उनका यहाँ पे पिक नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, चाहे कितना पुराना क्यों ना, आपका नया बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, चलिए मैं डाल देता हूँ, और स्टेट पर करके सर्च कर देंगे। तो ये डिटेल आपके पास सर्च करने के बाद ये खुल जाएगी, यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, रिलेटिव नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, थोड़ा नीचे आ जाना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सेंड ओटीपी क्लिक करने के बाद आपको OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने इसमें दिया होगा, ठीक है। जो इस मोबाइल जो इस वोटर आईडी कार्ड मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होगा उस पर OTP आ जाएगा। और हाँ, अगर जो मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे जोड़ते हैं, सिर्फ 5 मिनट का खेल मोबाइल नंबर जोड़ना, ठीक है। वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप मोबाइल नंबर जो है जोड़ना सीख लें, उसके बाद ये काम करें डाउनलोड करने का, ठीक है। चलिए आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कैप्चा, वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ, और नीचे आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर OTP वेरीफिकेशन डन हो गया। यहाँ पे ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए डाउनलोड अगेन, ठीक है। पहली बार करेंगे तो सिर्फ डाउनलोड आएगा, मैंने बहुत बार कर रखा है। तो यहाँ पर ये हमारा वोटर आईडी कार्ड देखिए आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके जाके पहले मोबाइल नंबर जोड़ दें, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। और इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पुराना वोटर आईडी कार्ड नया बनवा सकते हैं।